मम्मी आएंगे वापस यहाँ पे। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम क्यों मुझे यहाँ से निकालना चाहते हो? जब तक मुझे मेरा दूल्हा नहीं मिलता मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आप कहीं मत जाना, यही रहना। मेंटेनेंस देने के तो भी चलेगा। माफ करा, तमिल नहीं आती होगी। आगे बोलो। आपके चार भाइयों को माफ कर दो। हमारी कोई गलती नहीं है। हमने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरी दुश्मनी तुम लोगों से है। पोपटलाल भूतनी ने नहीं पकड़ा था, मेरी चप्पल वहां रह गई ना तो लेने गया था। चप्पल लेने गए थे आप वहां? एक चप्पल के लिए तो अपनी जान जोखिम में डाल के वापस गया था। तेरा दिमाग ठिकाने पे है कि कंपास बॉक्स में डाल के निकले है? और चप्पल कहां है तेरी? अरे नहीं नहीं, मतलब मैं गया था वापस लेने के लिए, लेकिन वो भूतनी की आवाज कानों में आई, चले जाओ यहाँ से, इसलिए मैं सीढ़ियों से वापस आ गया। एक मिनट, पहले आप ये बताइए कि ऊपर ऐसा क्या हुआ जिसको देख के आप इतना डर के भाग के आ गए? असल में ये विक्की और वो कपल वो फ्लैट देखने जा रहे थे, तो हम लोग साथ में गए थे, तो हम चारों जब साथ में जा रहे थे, मैं कमल है, ये काली बिल्ली कल से पीछे पड़ी, अभी घर में भी आ गई। हाँ घर में बिल्ली है जी। मैं यहाँ हूँ बोल रहा है कब से? मैं क्यों यार,
अब्दुल, क्या हुआ भाई, तू ठीक तो है ना? हाँ, बोल कुछ बोल अब्दुल। अरे अब्दुल, क्या हुआ भाई, कुछ तो बोल, जवाब दे। अनुभव। कैसा अनुभव? भूतनी को देखने का अनुभव। मतलब? और वो दो लोग घर देखने आए थे, वो भाग क्यों गए? हाथी भाभी, वो तो भागेंगे ही ना, क्योंकि उन बिचारों ने भी हमारे साथ साक्षात उसे देखा। किसे? अरे किसे क्या माधवी भाभी, वो डरावनी दुल्हन को। प्रत्यक्ष हो गए क्या? और सिर्फ देखा ही नहीं, उस डरावनी दुल्हन ने उनकी हालत खराब कर दी। देखा, मैंने बोला था ना, बिल्कुल बिल्कुल, इतनी नजदीक थी, वो ऐसे सामने आ गई थी। सिर्फ हाथ के इशारों से ऐसे मुंडी घुमा सकती है। अरे वो इंसान को फोन पर रखे वाइब्रेटर की जैसे इंसान जैसे गाड़ी से टकराने के बाद गिर जाता है, उसी तरह से वो फेंक भी सकती है। आपके की उंगली के इशारे से ऐसे 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 इंसान को इधर से उधर उधर से उधर घुमा सकती है। जायू, मैं किडो उठू ना कुटका मारती होगी। विक्की को ऐसे ही किया। जायू, मैं ना पड़ी हटी ना कि उस घर में कोई भी नहीं जाएगा, लेकिन आप लोग किसी ने भी नहीं सुना। अब उस घर की तरफ कोई देखेगा भी नहीं और टूटे बिल्कुल भी नहीं। शांत, वो बोल रही थी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, आप क्यों मुझे निकलना चाहते हो? तो आपने सॉरी वगैरह बोला कि नहीं? सॉरी भाई नहीं, हम आपको नहीं निकालेंगे ऐसा। हाँ हाँ बोला ना, मैंने बोला भुत्ती भाई नहीं, आपको जितने दिन रहना रहे हो और मेंटेनेंस नहीं देंगे तो भी चलेगा। राजू अभी बोला, हिम्मत जुटा के बोला के हम आपके भाई हैं, हमें माफ कर दो, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल पाए, बस जान बचा के भाग आए। और उसने ये भी कहा जब तक मुझे दुल्हा नहीं मिलेगा मैं यहाँ से जाऊंगी नहीं। मुझे उससे शादी नहीं करनी है, मैं प्यार से शादी कर लूंगा लेकिन उससे शादी नहीं करूंगा। अरे आप सब तो शादीशुदा बच जाओगे, मैं फंस जाऊंगा। मैंने पहले ही बोला था ऊपर मत जाओ, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अरे भाई, सांप के बिल में हाथ नहीं डालते, शेर की गुफा में सर नहीं डालते। ये सब विक्की है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से हुआ है विक्की। अरे सॉरी सॉरी। क्या सॉरी? मुझे अंदर जावे से पहले आप लोगों की एडवाइस मान लेनी चाहिए थी। इतनी बार बोला था मैंने, आगाह कर रहा हूँ मत जाओ। नहीं तो कहा है, तो हमने कितनी बार बोला इनको? ये सब उस डरावनी दुल्हन की माया है, उसका जादू है, छलावा। वो बहुत शक्तिशाली है, वो कुछ भी कर सकती है। हाँ, मैंने देखा है खुद, मुझे यकीन हो गया। तो खुद कह रही थी कि उसकी दुश्मनी हमसे है। मेरे पास एक रास्ता है। अरे कभी कभी ऐसी शक्तियाँ किसी जगह पर डेरा डालकर बैठ जाती होंगी। ऐसी शक्तियों को भगावे के लिए मैं तांत्रिक बाबा को जानता हूँ।
जो इस परिस्थिति में इस समस्या का हल निकाल के देंगे। बोलो बोलो जल्दी बोलो। लगा लो फोन लगा लो। अरे लेकिन तांत्रिक इसमें कुछ नहीं कर पाएगा। अरे तेरे को लगता है कि तांत्रिक कुछ नहीं कर पाएगा तो कोई विज्ञान का रास्ता दिखा। बताइए बताइए कौन सा गैस डाल के कौन सा केमिकल डाल के उस भूतनी को भगा सकते हैं? तेरे पास कोई मशीन है जो वो भूतनी को पकड़ सके उसको भगा सके? बताइए बताइए कोई टेक्नोलॉजी है? ऐसा कोई सॉल्यूशन तो मेरे दिमाग में नहीं है। तो आप शांति रखो भाई एकदम शांति रखो और ये तांत्रिक को बुलाने दो। बुला नहीं बुला 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 छो यारो ये सब और मेरे पास सॉल्यूशन है। मैं अभी के अभी उस भूतनी को ठीक करके आता हूँ। रोशन रोशन की छू कर रहे अब तू गपचुप बस अब तू बिल्कुल उधर नहीं जाएगा। मैंने बोल दिया अगर तू गया ना तो कसम कसम मत देना अब तू जाएगा नहीं। हाँ नहीं जाऊँ प्लीज। ओके नहीं जाऊँ। अरे इस वक्त किसी भी तरह से इस भूतनी से हमारा पीछा छूटे वो काफी है। हाँ विकी लगाओ वो तांत्रिक बाबा को फोन लगाओ। हाँ कैसे भी करके हल तो ढूंढना ही पड़ेगा। विकी भाई आप फोन लगाइए जल्दी से और स्पीकर पर रखिए। हाँ मैं लगाता हूँ। जय गुरु घंटाल। लग गया फोन लग गया। जय गुरु घंटाल जय गुरु घंटाल। अरे कौन बोल रहा है? अरे चंदमून बाबा हम विक्की बोल रहा है विक्की बोकर। हमें इंसान याद नहीं रहते। अरे आप तो भतीजे को ब्लड दिलवाया था ना वो स्टेट एजेंट। हाँ याद आया बोलो। हाँ बोलो बोलो। अरे इस बकार हम गोकुलधाम सोसाइटी से बोल रहेंगे। हम बहुत डरे हुए हैं। वो आपके मदद की जरूरत है गई है। अरे का बात है गई? बात ये है गई है यहाँ पर डरावनी दुल्हन नाम के भूत ने डेरा डाल लो है अब इधर से भग नहीं रही है। अभी हम लोग सब वहाँ से डर के भाग के आए। बाबा जी बाबा जी कल रात को मेरे साथ। तुम कौन हो? मैं गोल्डन क्रो अवार्ड विनर वरिष्ठ युवा पत्रकार पोपटलाल बोल रहा हूँ। अरे जो हुआ वो बताओ। कल रात को वो मेरे सपने में आई थी और मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली। वो बहुत खतरनाक है वो मुझे उठा के लेके जाएगी। हम सबको आपकी मदद की जरूरत है। बाबा जी अब ये कौन है? बाबा जी हमें इस समस्या से निकलने का उस डरावनी दुल्हन से बचने का उसे पकड़ने का कोई रास्ता दिखाइए। जय गुरु घंटा। उस डरावनी दुल्हन को आपको उसे पिंजरे में बंद करना हैगा। अरे वो कोई पोपट थोड़ी ना जिसको पिंजरे में बंद कर देंगे। सुनिए ओ रिलैक्स पप्पू मैं उड़ने वाले पोपट की बात नहीं कर रहा हूँ। उड़ने वाले पोपट की बात कर रहा हूँ। बाबा जी हम लोग समझे नहीं मतलब पिंजरे में बंद करना मतलब क्या? हाँ मैं समझाता हूँ। वो डरावनी दुल्हन कहाँ रहती है? हाँ मिसाल तो मिसाल तो बाबा जी मैं आत्मारम तुकाराम भिड़े गोकुला सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी। वो डरावनी दुल्हन अभी मोहनलाल जी के घर में रह रही है। आत्मारम? अरे बाबा जी को मोहनलाल का घर कैसे मालूम पड़ेगा? वो क्या बता रहे हो? मैं बता रहा हूँ वो मोहनलाल जी हमारे यहाँ सोसाइटी में रहते हैं लेकिन डी विंग में उनका दूसरे माले पे फ्लैट है टेरेस फ्लैट अंदर से 2500 स्क्वायर फीट होगा। कितना एरिया कब्जे में लिया मुझे? जय गुरु घंटाल। सुनो पहले उस विंग का घेरा बनाओ और वहाँ खतरा लिख दो और अंदर जाने का रास्ता लकड़ियों से बंद कर दो। लेकिन ये घेरा डाल के बंद करने के लिए क्या प्रक्रिया है बाबा जी? पहले उस विंग को पूरी तरह बंद कर दो और बाहर खतरा ऐसा लिख दो और अंदर जाने का रास्ता लकड़ियों से बंद कर दो। अरे ऐसे कैसे? नीचे वो मिस्टर कपूर रहते हैं उनका क्या? नहीं अंजलि भाभी उसका टेंशन नहीं है वो कपूर साहब तो वेकेशन पे गए। अरे बहुत अच्छा। और तैयब टेलर के घर पे तो कोई रहता ही नहीं है। हाँ तो विंग तो सील कर ही सकते हैं बाबा जी। गुड गुड। ओ विंग तो सील कर देंगे फिर क्या करना? फिर उस मकान में से बाहर जाने के रास्ते पर काले तिल छिड़कना नींबू मिर्ची लटकाना लकड़ियों पर गुलाल छिड़कना और आखिर में वहाँ बाहर एक काग भगोड़ा बनाना है। काग भगोड़ा ये क्या होता है? अरे काग को भगाने वाला मतलब पंछियों को भगाने वाला क्या काग भगोड़ा मतलब वो खेतों के अंदर देखते ना वो जो स्कारक्रो सॉरी चाड़िया स्कारक्रो होता है ना ऐसे बिजू का। अच्छा अच्छा
जो मुझे तो पता है भाई, बाद में समझाएंगे। अरे पर समझना जरूरी ना भाई अभी। हाँ वो वैसा वो काग भगोड़ा। ओके ओके ओके। लेकिन याद रहे उसका सर काले मटके का होना चाहिए। और उसके बाद में मिर्ची का धूप करना। अच्छा मिर्ची का धूप कौन सी, लाल या हरी? लाल तेज मिर्ची का धूप करना है। और उसके आजू बाजू में नींबू और मिर्ची के हार बनाओ। और ये सब करने के बाद आप अपने घर में चले जाना और पीछे मुड़कर मत देखना। नहीं नहीं सवाल ही नहीं। हाँ पर ये सब करने से क्या होगा? ये सब करने के बाद अंदर जो डरावनी दुल्हन है वो उस जगह पर कैद हो जाएगी। वो बाहर नहीं जा पाएगी। अंदर घमासान होगा, वो छटपटाएगी, कुलबुलाएगी, बेहोश हो जाएगी। मूर्ख, भूत कभी बेहोश नहीं होते। वो अपना डेरा उठाकर उस स्थान से भाग जाएगी। अरे भाग जाएगी पर आज नहीं, कल। कल क्यों? भाई देखिए शाम को विधि करनी पड़ेगी। उस विधि से जो शक्ति पैदा होगी उससे उस शक्ति का और उस डरावनी दुल्हन का आज रात को संघर्ष होगा। अच्छा अच्छा, इसलिए आज रात आप सबके लिए भारी है। बाबा ने बोला है आज की रात ग्रहों की दृष्टि वक्र है और ऊपर से अमावस भी है। आज की रात उसकी शक्तियाँ चरम सीमा पर होगी। इसलिए भलाई इसी में होगी कि सभी लोग अपने अपने घरों में खिड़कियाँ दरवाजे बंद करके बैठें। लेकिन बाबा जी अगर कोई व्यक्ति गलती से घर के बाहर निकल गया तो? सॉरी मैं गलती से भी कोई बाहर निकला तो उसकी खैर नहीं होगी। हरिओम नमः शिवाय। आज की रात वहाँ घमासान होगा, घमासान। कोहराम मच जाएगा, अच्छी और बुरी शक्तियों का युद्ध होगा। और क्या? फिर क्या होगा? और फिर सुबह की पहली किरण होते ही उस डरावनी दुल्हन की शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। गुरु घंटाल की कृपा से वो आपकी सोसाइटी छोड़कर भाग जाएगी। बाबा जी की जय। अरे बाबा जी जो कछु आपने कहा होता ही करेंगे। जय गुरु घंटाल। अरे फोन क्यों काटा बाबा जी ने? अरे बाबा जी तो की बात नहीं करते, मुद्दे की बात करते आएंगे। बाबा जी की बात मुझे सही लग रही है। मुझे भी लगता है कि बाबा जी का बताया उपाय अगर हम करेंगे तो इस डरावनी दुल्हन से हमें छुटकारा मिल सकता है। ओ यारो, वैसे तो मैं इन सब में नहीं मानता हूँ पर मैं अपने गोकुल धाम के लिए ये करने को तैयार। हाँ चलो चलो तैयारी करते। अच्छा अब्दुल, वो पिछली बार कारपेंटर ने लकड़ियां कहाँ रखी थी? और वो लाल पट्टी अपने सोसाइटी ऑफिस में है ना? लाल पट्टी वो सोसाइटी के ऑफिस में है। जो लकड़ियां है वो सोसाइटी के ऑफिस के पीछे। तो हम भी वो यू नो नींबू मिर्ची का हार और धूप जलाने के लिए सूखी मिर्ची और बाकी सामग्री का इंतजाम कर लेते हैं। हाँ। है ना? इसके बाद मैं घर चलो जाऊंगा और आप लोग भी खिड़की दरवाजे बंद करके बैठ जाना। एक मिनट, सब लोग याद रखना बाबा जी ने कहा है कोई घर के बाहर नहीं निकलेगा। हालत हुई है पत्नी जान के पढ़े लाले और तांत्रिक के बताए रास्ते पे चलने वाले हैं गोकुल धाम वाले। अभी रास्ता हमें कहां ले जाएगा? क्या हमें ये डरावनी दुल्हन से निजात दिलाएगा? कौन बचाएगा हमें? सबके मन में उठ रहा यही सवाल, ये तंत्र मंत्र। यहां मेरे परम मित्र जेठाला भाई, अपनी नजरें आप टीवी पे गड़ाए रखिए और अपनी उत्सुकता बनाए रखिए। सब सवालों के जवाब मिलेंगे जब आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखेंगे। उस देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
हाँ भाई विक्की, जैसा बाबा जी ने बोला था वैसी सारी तैयारी हो गई है ना? हो गया भीड़े सरकार, बिल्कुल हो गया। और हाँ, भीड़े सरकार रात है गई है, आप उस डरावनी दुल्हन की शक्तियों का बढ़ने का टाइम हो गया है। मैं कह रहा हूँ आप सभी लोग अब अपने घर जाओ और खिड़की दरवाजे अंदर से बंद कर लो। हाँ तो ठीक है, एक काम करते ना, हम सब लोग मेरे ही घर चलते, वहीं बैठ जाते हैं। हाँ हाँ अच्छा रहेगा, साथ में रहेंगे तो डर भी नहीं लगेगा। अरे भाई मैं घर जाऊँ? कल रात को भी मैं घर नहीं गया था। बराबर है, तुम घर जाओ। आप सब लोग अपना ख्याल रखना, कल सवेरे तक ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। तेरे मुंह में घी शक्कर अब्दुल। अच्छा मैं चलता हूँ, ध्यान रखी। अब भीड़े सरकार, हम भी चलते हैंगे, हमें भी इजाजत दीजिए। देखिए मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से तुम्हें थैंक यू कहना चाहता हूँ। वो तुमने बाबा जी से फोन पे बात करके ये सब इंतजाम करवाया ना, थैंक यू। काहे शर्मिंदा कर रहे हो भीड़े सरकार, अब हम चलते हैं, अब आप सभी लोग भी अपना ध्यान रखना। हाँ आप भी अपना ध्यान रखना। हाँ कितना अच्छा इंसान है। नहीं चलो भाई चलो, हम भी चलते हैं। सुबह से मस्त दिन जा रहा, मस्त कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, सुखरूप सूरत से मुंबई पहुंच गया, लेकिन बिना मुसीबत मेरा दिन पूरा नहीं होता ना। छोटी तो छोटी, एक आध मुसीबत तो आ ही जाती है। यहाँ तक आके रिक्शा बिगड़ गई, अभी चल के जाओ घर पे। अरे ये क्या, अब्दुल ने दुकान इतनी जल्दी क्यों बंद कर दी? हाँ है जाएगो, आज रात को ही है जाएगो। इतना लेट नहीं हुआ फिर भी सोसाइटी में आधी रात जैसा सन्नाटा क्यों है? कोई चहल पहल ही नहीं है। भिड़े ने आज सुविचार नहीं लिखा, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ भी हो जाए भिड़े सुविचार लिखना तो कभी नहीं भूलता। ये क्या, डीविंग में जाने का रास्ता बंद क्यों कर दिया? यहाँ अंदर जाना मना है, क्यों? ये चाड़िया यहाँ क्या कर रहे हैं? इसे तो आमतौर पे वो पंछियों को भगाने के लिए खेत में रखते हैं, यहाँ किसे भगाने के लिए रखा है? अंदर कोई खेती कर रहा है क्या? लेकिन बार बोर्ड मारा है खतरा, खेती में क्या खतरा? और ये डी विंग में जाने का रास्ता क्यों बंद किया हुआ है? अब्दुल ने यार दुकान जल्दी बंद कर दी, भिड़े ने सुविचार नहीं लिखा है, सोसाइटी में सन्नाटा है, जरूर सोसाइटी में कुछ गड़बड़ हुई है। सिर्फ गड़बड़ नहीं, बहुत बड़ी गड़बड़ हुई लगती है। अच्छा हुआ मैं आ गया, लेकिन बापू जी ने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं? बापू जी ठीक तो है ना? अरे ये क्या, घर पे ताला? इस वक्त बापू जी कहाँ गए होंगे?
पता नहीं आज रात को क्या होने वाला है। बस भगवान करे किसी तरह वो डरावनी दुल्हन आज रात को हमारी सोसाइटी छोड़ के भाग जाए। ये चिट्ठा का मस्त है ना, मस्त सूरज जाके बैठा है, बिल्कुल सेफ एंड साउंड। हाँ, और नहीं तो क्या। चाचा जी आपका फोन बज रहा है, आपको सुनाई तो दे रहा है ना। फोन उठा क्यों दे रहे हो? अरे सूरत से जेठिया का फोन है। अरे बापू जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? मैं इतना डर गया हूँ कि मेरी ऐसी आवाज सुन के उसे पता चल जाएगा कि जरूर कुछ गड़बड़ है, इसलिए फोन नहीं उठा रहा हूँ। चाचा जी जेठालाल बहुत जिद्दी है, जब तक आप फोन नहीं उठाएंगे वो फोन करता रहेगा। जिद्दी नहीं, चिंता होती है ना बेटे को, इसलिए। हाँ चाचा जी फोन उठा लीजिए। हाँ चाचा जी एक बार बात कर लीजिए चाचा जी। अरे बापू जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? मेहता साहब से पूछता हूँ। बापू जी कहाँ हैं आप? मैं घर में हूँ। घर पे? किसके? अपने घर पे, और कहाँ। बापू जी क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? अपने घर पे तो ताला है। तुझे कैसे पता चला? किसने बताया बोल। मुझे कौन बताया? मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। कैसे? तू तो अभी सूरत में बैठा है ना? सूरत में बैठा था लेकिन अभी मैं गोकुलधाम सोसाइटी में खड़ा हूँ बापूजी। तू यहाँ आ गया? हाँ। अरे बाप रे, देख जेठा आज की रात बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है, तू जल्दी अंदर आ जा, अंदर आ जा। लेकिन अंदर कैसे हूँ बापूजी, दरवाजे पे ताला है। अरे भाई मैं महसूस के घर में हूँ, तू जल्दी से यहाँ आ जा, आ जा जल्दी। हाँ ठीक है, आया अभी आया अभी। चल जी मैं देखता। अरे छोटी ये सब सोसाइटी में क्या हो रहा है? अरे देखिए आप सब यहाँ, बापूजी कहाँ? मैं यहाँ हूँ जेठिया। बापूजी, बापूजी आप ठीक तो है? हाँ ठीक हूँ। लेकिन तू तो कल आने वाला था ना, आज कैसे आ गया? ओ आज सुबह आपसे फोन पे बात हुई ना, तभी मुझे शक हो गया था बापूजी कि सोसाइटी में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन आप मुझे बता नहीं रहे इसलिए मैं कल की जगह आज आ गया। क्या हो रहा है बापूजी सोसाइटी में, कोई मुझे बताएगा? सब लोग एक साथ में बोल रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई एक जन बोलो। जेठा जी एक्चुअली परसों रात से हमारे सोसाइटी में कुछ अजीब अजीब चीजें हो रही है। अजीब अजीब चीजें मतलब बबीता जी? जेठा मैं बताता हूँ, ये किस्सा मेरे से ही शुरू हुआ है। आपसे? हाँ। क्या हुआ आपके साथ बापू जी? जेठा याद है तूने सूरत पहुँच के आधी रात को मुझे फोन किया था? हाँ याद है, मैंने आपको फोन किया था कि मैं पहुँच गया हूँ। हाँ तो घर के अंदर है ना टावर बराबर नहीं मिल रहा था, तो मैं बात करने के लिए बालकनी में गया, तो वहाँ पे मैंने मोहनलाल के घर पे डरावना साया और जलती हुई मोमबत्ती देखी जेठिया। अरे बाप रे, फिर मैं बहुत डर गया जेठिया। आप डर गए तो आपने किसी को बताया क्यों नहीं बाबूजी? वो चाचा जी ने फिर पीड़ू और मैनू बताया, वो हम तीनों मिलके मोहनलाल के घर पे गए, वहाँ ताला लगा था, कुछ भी नहीं था। और दूसरे दिन जब चाचा जी ने मुझे बताया कि उन्होंने कुछ देखा, तो मुझे लगा कुछ भ्रम हुआ है चाचा जी को, मैं साथ चलता हूँ, मैं वहाँ साथ गया चाचा जी के। चाचा जी को कुछ पायल की आवाज और गाने की आवाज सुनाई दी, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया, मैंने कुछ नहीं देखा। भाई जेठालाल असली प्रॉब्लम तब शुरू हुआ जब मैं कल रात को ऑफिस से घर आ रहा था। मेरे एडिटर साहब ने मुझे कहा था कि शहर में एक डरावनी दुल्हन नाम की भूतनी घूम रही है जो कुमारों पर झपकती है। मेरे एडिटर साहब ने मुझे उसके ऊपर आर्टिकल लिखने को भी कहा था, और कल जब मैं सोसाइटी में दाखिल हुआ तो डरावनी दुल्हन हमारी सोसाइटी में ही निकली, मुझे मोहनलाल के फ्लैट में दिखी,
पर मेरी तो हालत खराब हो गई थी। फिर हम सब लोग ऊपर गए देखने के लिए, तो हमें भी बहुत अजीब अजीब चीजें वहां पे देखने को मिली। लेकिन पता है क्या हुआ, हम लोगों ने जब पांडे जी को बुलाया और वो हमें ऊपर लेके गए, तब वहां कुछ भी नहीं दिखा। पुलिस तो अपनी तहकीकात करके चली गई, लेकिन फिर उसी रात को क्या हुआ, उस डरावनी दुल्हन ने मेरे गले में क्या कंकाल की माला पहना के मुझसे जबरदस्ती शादी कर ली। मतलब तुम्हारी शादी एक भूतनी के साथ हो गई? सपने में जेठालाल, उसने सपना देखा कि उसकी शादी भूतनी से हो गई है। फिर उनके पास चाचा जी और पोपड़लाल इतना डर गया था कि छोड़ी ने उनको डर भगाने का दवाई पिला दिया। डर भगाने की दवाई? ये कौन सी दवाई है छोटी? तो मैं बाद में आपको बताता हूँ। वो कुल मिला के चाचा जी वो डर भगाने की दवाई पी के सो गए। आज सुबह विक्की ब्रोकर वही मोहनलाल मट्टा किंग का फ्लैट किसी को दिखाने के लिए लेके आया। हमने लाख मना किया कि भाई मत लेके जा, वो फ्लैट मत दिखा, पर हमारे मना करने के बावजूद वो उस कपल को वहां लेके गए। हाँ, फिर मैं, अय्यर, मेहता साहब और अब्दुल उनके साथ फ्लैट देखने गए। फिर क्या, फिर वहां जाके वो पुतनी हमारे ऐसे आंखों के सामने आ गई। एक मिनट, लेकिन अगली रात को चालू जी पांडे जी ने तहकीकात की, तभी वहां कोई नहीं था, और आज सुबह वहाँ वो भूतनी थी, तो मतलब पूरी रात वो कहाँ गई थी? भला क्या भाई जेठालाल, वो भूतनी वो कहीं भी जा सकती है ना। फिर क्या, फिर वो भूतनी ने वो विकी ब्रोकर और वो जो कपल आया था ना, उनकी तो हालत खराब कर दी। अरे बाप रे, क्या गोल गोल घुमाया है, देवा 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 देवा। वो तो अच्छा हुआ कि उसने हमारे साथ कुछ नहीं किया। मैं बोला कि चले जाओ यहाँ से, दोबारा कभी मत आना। और विकी भाई तो इतने अच्छे इंसान है कि इतने डरे हुए होने के बावजूद उन्होंने हम सब की मदद करने के लिए अपनी पहचान वाले तांत्रिक बाबा को फोन लगाया। और वो बाबा जी के कहने पर हम लोगों ने विंग के बाहर ऐसे लकड़ियां, अबीर गुलाल और नींबू मिर्च रखकर विंग को ब्लॉक ही कर दिया एकदम। अच्छा, अब बाबा जी का कहना है आज की रात कोकरडैम पे बहुत भारी है। हाँ, और उस तांत्रिक बाबा ने कहा कि आज सोसाइटी में घमासान होगा, तो हम लोग में से किसी को भी बाहर नहीं जाना चाहिए। हाँ। हाँ। भगवान, पता नहीं आज रात को क्या होगा, हमें बचा ले लो भगवान। बापू जी आप डरिए मत, आप चिंता मत कीजिए, देखिए मैं आ गया हूँ ना, चलिए घर चलिए और आराम से सो जाइए। घर नहीं जाना, कोई घर नहीं जाएगा, सब लोग यहाँ पे साथ में रहेंगे। हाँ चाचा जी, कोई कहीं नहीं जाएगा, हम सब यही है। आप एक काम कीजिए ना, आप अंदर चल के आराम कीजिए, थोड़ी देर सो जाइए। हाँ, चलिए चलिए, आइए चाचा, आराम से सो जाइए, आइए यहाँ आराम से सो जाइए। छोड़ो भाई, मैं चल सकता हूँ। जी जी, आइए इधर आराम कीजिए, आप आराम कीजिए बापू जी। लेकिन जेठा भाई, तू भी यही रहना, घर जाने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं यही बाहर सबके साथ बैठा हूँ बापू जी, आप आराम से आराम कीजिए। हाँ। और किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। हम लोग इधर ही हैं बापू जी। क्या भाई भीड़ है, सोसाइटी में इतना कुछ हो गया, बापू जी बेचारे इतने डर गए, मुझे बताया क्यों नहीं? ऐसा नहीं है जेठालाल। अरे क्या ऐसा नहीं है, ऐसे तो पूरा दिन मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एक मावा सेक्रेटरी, गोकुलधाम सोसाइटी का एक मावा सेक्रेटरी का ढिंढोरा पिटता रहता है, तो सोसाइटी का सिक्योरिटी के बारे में कुछ करता क्यों नहीं है? जेठालाल, भूतनी के लिए कौन सी सिक्योरिटी बुलाऊं मैं? और जहां तक सोसाइटी की सिक्योरिटी की बात है, हमने पुलिस को बुलाया तो था, और क्या करता? मुझे बताता, मुझे क्यों नहीं बताया? छोटी दोस्त, तू मुझे बता सकता था, तूने भी मुझे नहीं बताया। सॉरी जेठा प्राव। पर मेहता साहब, आपने भी मुझे नहीं बताया, आप तो मेरे परम मित्र हैं। माना कि ये भिड़े बेजवाबदार है, लेकिन आप तो जवाबदार है ना। भिड़े बेजवाबदार मतलब? ओ तुम्हें बसा, तुमच्या संगते गोष्टी झाली ना, आता मैं मेहता साहब से वार्ता करते, तुम्हें बसा। असं कसं बसा? अरे गोष्टीला सुरुवात झाली आहे, वार्ताला सुरुवात झाली आहे, क्या बेजवाबदारी की मैंने? मुझे नहीं बताया, वो बेजवाबदारी की? कमाल है, बताओ तो बाप डांटता है, ना बताओ तो बेटा चिल्लाता है। अरे भाई, बताने की कोशिश की थी मैंने फोन करने की भी कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारे परम पूज्य बापूजी ने मना कर दिया था। अरे तो वो तो मना करेंगे ही ना भाई, वो मेरे पिताजी है, उन्होंने बाप होने का धर्म निभाया, लेकिन तू एक पड़ोसियों के पड़ोसी धर्म कैसे भूल गया?
तुझे मुझे बताना चाहिए ना, मुझे बताया क्यों नहीं? नहीं आएंगे पंदिर बिंगे। हाँ तो देखो अय्यर भाई भी वही बोल रहे। मैं ये नहीं, मैं तुमको बोल रहा हूँ, अगर तुमको बता भी देते तो तुम क्या कर लेते? वो भुतनी का मुकाबला करते, उसको पकड़ते। अरे मेरे को बताया नहीं। और पिछली बार वो सोसाइटी में भूतनी आई थी, तब तुम कितना डर गए थे? जेठालाल क्यों गया? अरे जेठालाल ये क्या हाल बना रखा और क्या हुआ, ये क्यों आप रहे उस तरह? अरे माता साहब, वो भूतनी तो हाथ दो कमरे पीछे पड़ गई है। अरे तुम क्या भूतनी का मुकाबला करेगा? अरे तुम छोड़ो, कुत्ता तो डर जाता है, तुम भूतनी को क्या पकड़ेगा? तुम कावड़ है, कावड़, एक नंबर का कावड़। मैं कावड़ नहीं हूँ, मैं श्रवण हूँ, मेरा बापू जी का श्रवण हूँ। कावड़ में बापू जी का बिठा के पूरी यात्रा करा सकता हूँ, ऐसा श्रवण हूँ। जेठल वो तो तुम हो, तुम श्रवण ही हो, कावड़ में ले जा सकते हो, लेकिन ये अय्यर अभी तुम्हें वो कावड़ नहीं, इंग्लिश वाला कावड़ कह रहे। अय्यर कह रहा है कि डरपोक हो तुम। हाँ, तुम डरपोक है, सबसे बड़ा डरपोक है, डरपोक नंबर वन। बोल लिया, अभी मैं बोलूं? नहीं। अरे नहीं क्या, मैं बोलूंगा, आपकी परवानगी नहीं मांग रहा हूँ। नहीं बबीता जी, सॉरी, आपको शायद बुरा लगेगा, लेकिन मुझे अभी अय्यर भाई को थोड़े कटु वचन बोलने ही पड़ेंगे। अय्यर भाई, डरपोक मैं नहीं, डरपोक आप है, क्योंकि हम लोग तो आम इंसान है, लेकिन आप एक साइनिस्ट हो, साइनिस्ट, और साइनिस्ट हो क्या आप ये भूत भूत से डरते हो? जडालाल, अभी इसमें साइंटिस्ट होने के बाद बीच में कहां से आया? मतलब आप डरते हो, ये बात तो तय है ना? मतलब तुम नहीं डरता है? नहीं, क्योंकि मैं कच्चे मारू हूँ। तुम कच्चे मारू नहीं, तुम डरपोक मारू हो, डरपोक मारू। अय्यर भाई, अय्यर, अरे यार क्या अय्यर भाई, तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम भूतनी से नहीं डरते हो? नहीं, क्योंकि भूत भूत जैसा कुछ होता ही नहीं है। तो फिर क्या क्या उधर मोहनलाल के प्लेट में? क्यों, अरे क्यों का है, जेवन वाड़ ले तिकड़े। अरे तुमने बोला ना कि तुम भूते से नहीं डरते, तो जाओ वहां पे जाके सामना करो। दलील मित्रों, दलील एक ऐसी चीज है जिसमें तर्क कब कुतर्क बन जाए पता ही नहीं चलता, और दलील कब किसी चर्चा को पटरी से उतार दे ये भी पता नहीं चलता, और यही हुआ है गोकुलधाम सोसाइटी में। भिड़े और अय्यर ने ऐसी ऐसी दलीलें दी है जेठालाल को कि जेठालाल को मोहनलाल मटका किंग के फ्लैट में जाने की चुनौती दे दी। और अब आप मेरे परम मित्र जेठालाल को तो जानते ही हैं, वो इतने बहादुर नहीं है, लेकिन अब इस दलील के आगे नहीं टिक पाएंगे, और चुनौती दिए तो स्वीकार तो करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि जब जेठालाल मोहनलाल मटका किंग के घर में जाएंगे तो क्या होगा, और किस तरह से उनकी मुलाकात होगी डरावनी दुल्हन से। जब होंगे दोनों आमने सामने, मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होगा, और इनकी तकरार देखने लायक होगी। तो क्या होता है आगे, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। और हाँ मित्रों, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल। आगामी 2 सितंबर यानी रविवार को जन्माष्टमी का पावन पर्व। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। कृष्ण भक्ति में नाचिए, गाइए, उल्लास के साथ जन्माष्टमी का त्योहार मनाइए, यही शुभकामनाएं हमारी। और यहाँ जेठालाल और डरावनी दुल्हन का मुकाबला क्या रंग लाता है, जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे मैं क्यों उसका सामना करूं, उसको अगर मेरा सामना करना तो आए यहाँ पे। नहीं 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 भाई, इधर इधर कुछ नहीं भाई, इधर कुछ नहीं, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगी भाई, वो मुझ कुवारे पर झपटेगी। अरे क्या पपड़ा लाल, तुम भी ये जयडालाल का बात में आ गया, ये तो यहाँ पर खड़ा खड़ा बाधे बना रहा है, इसमें हिम्मत ही नहीं है। अगर इसमें हिम्मत होता ना तो ये अभी मोहनलाल के फ्लैट पर जाकर वो भूतनी के सामने खड़ा रहता।
अय्यर अय्यर प्लीज स्टॉप इट। अरे देखो जेठा जी अभी आए हैं और उन्हें नहीं पता, पर हमें पता है ना कि वो जगह कितनी डरावनी है। तो उनको तुम वहाँ पे क्यों भेजना चाहते हो? बबीता मैं जेठालाल को भेजना नहीं चाहता, पर तुम देखो ना बात ही कैसी करता है कि भूत भूत कुछ होता ही नहीं है। अरे तुम मोहनलाल के घर पर जाओगे ना तब पता चलेगा कि भूत है। ठीक है बबीता जी, ठीक है यार भाई, मैं जाता हूँ फिर। अरे नहीं, अरे क्या बोल रहे हो भाई? नहीं नहीं, ये अय्यर भाई भिड़े, इन लोगों को लगता है ना कि मैं डरता नहीं हूँ, तो ठीक है ना मैं जाऊंगा, जाके दिखाऊंगा। कैसी बातें कर रहे हो यार? नहीं नहीं, जाता हूँ मैं मोहनलाल के घर पे, इसमें क्या है? नहीं जेठा भाई प्लीज, वहां जाने की बात मत कीजिए प्लीज। जेठा जी रहने दीजिए ना प्लीज। कविता जी आपको तो पता है कि मैं डरता नहीं हूँ, लेकिन अय्यर भाई नहीं मान रहे है ना, तो आज मैं इनकी एक गलत फहमी दूर करके ही रहूंगा, मैं जाके ही दिखाऊंगा। प्रवाडो नहीं बाबा, वो बाबा जी ने बोला है ना कि आज की रात कोकुलडाम में बहु मट्टू घमासा होने वाला है। और बाबा जी ने ये भी कहा है कि आज की रात उस भूतनी की शक्तियां चरम सीमा पर होगी। बाबा जी ने तो आज की रात घर से निकलने के लिए भी मना किया है। ठीक है अगर आप लोग इतना कह रहे हैं तो फिर ठीक है, नहीं जाता मैं। वेरी गुड, वो बराबर है भाई। नहीं नहीं, जाओ जाओ जेठालाल जाओ, तुमको तो डर लगता नहीं है, बाहर घमासान हो जाए कुछ भी हो, तुमको जाना तो फिर जाओ जाओ जाओ। यार व्हाट इज रॉन्ग विद यू? हां बराबर है, सबने हम सबने डरावनी दुल्हन का अनुभव लिया है, तुम्हें भी लेना ही चाहिए जेठालाल, जाओ जाओ तुम जाओ। अरे ये डरावनी दुल्हन का अनुभव है कोई प्रसाद नहीं है कि सबको मिलना ही चाहिए? कैसी बातें कर रहे हो भाई? नहीं नहीं माता साहब, ये महानुभावों को लगता है कि मुझे महानुभव करना चाहिए, तो ठीक है मैं ये महानुभव करता हूँ। अरे ओ भाई जेठालाल, इस वक्त जोश नहीं होश दिखाने की जरूरत है। जेठा भाई राहू देना। का राहू देना? राहू देना घरी, आता 12 वाजतीला तिकडे तेव्हा कळेल। अहो क्या अभी जनाबरा, तुझे फिकर ना करो, ओ मैं आता हूँ आपके साथ। रोशन तू किधर भी नहीं जाएगा, तुझे मेरी कसम है। तुझे कसम? हाँ नहीं जाएगा। और छोटे रहने दे दोस्तों, कसम मत तोड़, मैं अकेला जाऊंगा। चले माता साहब। अभी तो बोला ना अकेला जाऊंगा। अरे तो मैं और मेहता साहब अलग थोड़ी है, हम दोनों एक ही है, हम दोनों परम मित्र है, परम मित्र एक ही शब्द है। ओ शिक्षक समझाओ ना तुमचा ट्राउजर ना। ए जेठालाल तो माझा ट्राउजर नहीं है, सोसायटीचा ट्राउजर है, ए ट्रेजरर है। आते तेच ते। चले मेहता साहब। जेठालाल मैंने तुम्हारी तरह कोई निडर या निर्भीक होने की घोषणा नहीं की है यहाँ पे, मैं पहले से ही वहां जाके बहुत डरा हुआ हूँ भाई, मैं नहीं चल सकता हूँ। अरे मेहता साहब आप मेरे फायर ब्रिगेड हो क्या? नहीं नहीं वो हूँ। तो फिर मैं वहाँ आग में कूदने जा रहा हूँ तो वहाँ फायर ब्रिगेड तो साथ में चाहिए कि नहीं चाहिए? जेठालाल का आपका सारा है और अंजलि क्या चुपचाप खड़ी है? रोशन भाभी की तरह मुझे कसम दिला के रोकती क्यों नहीं है? यूं तो कसम दे दे के ड्राई फ्रूट खिलाती है, आज कसम नहीं खिला रही है। क्या सोच रहे हैं मेहता साहब? चलिए। जेठालाल मैं उस फ्लैट में जा चुका हूँ और वहाँ जाके ये भयानक अनुभव कर चुका हूँ भूतनी का, मैं नहीं चल सकता हूँ भाई, ये मुझे बहुत डर लग रहा है। देखिए मेहता साहब, अगर आप नहीं चलेंगे ना मेरे साथ तो जैसे ही अय्यर भाई ने मुझे डरपोक घोषित कर दिया है वैसे आपको भी डरपोक घोषित कर देंगे। अरे पर और सिर्फ डरपोक नहीं, वो तो आपको दगाबाज भी घोषित करेंगे। दगाबाज क्यों? एक निडर दोस्त के साथ नहीं चल के उसे दगा देने के जुर्म में। देखो जेठालाल मैं डरावा जरूर हूँ, दगाबाज नहीं हूँ। हाँ तो दिखा दो अय्यर भाई को, चलो मेरे साथ दिखा दो उनको कि आप ना ही डरपोक हो ना ही दगाबाज हो। चलिए मेहता साहब सोचिए मत, चलिए हम दुनिया को दिखा देंगे कि दोस्ती में कितनी ताकत होती है। हाँ मोहनलाल के घर में जो भी होगा साथ में भुगतेंगे।
मुकाबला करेंगे, मुकाबला। चलिए ठीक है जेठालाल, अगर बात दोस्ती की आ गई है तो फिर ठीक है, ये दोस्ती के इम्तिहान का वक्त है, इसलिए एक दोस्त चलेगा। लेकिन प्लीज आप दोनों एक दूसरे का ध्यान रखिएगा, ठीक है? हाँ, आप फिक्र मत कीजिए अंजलि भाभी, मैं हूं ना साथ में, मैं ध्यान रखूंगा, आप चिंता मत कीजिए। एक मिनट जेठालाल, तुम मोहनलाल के फ्लैट में जाओगे ना तो वहां से अपनी एक सेल्फी भेज देना। क्यों? क्यों क्या, हमें पता चलना चाहिए कि तुम वाकई मोहनलाल के फ्लैट में गए हो। तुम ऐसा बाहर 5 मिनट जाकर घूमकर वापस आ जाओगे तो हमको कैसे मालूम पड़ेगा कि तुम मोहनलाल के फ्लैट पर गए थे कि नहीं गए थे? मुझे पता था तुम दोनों ऐसा बोलोगे, इसीलिए सबूत के तौर पे मैं मेहता सबको साथ में लेके जा रहा हूँ। जेठालाल, मैं परम मित्र से सबूत हो गया? मेहता साहब, आप मेरे परम मित्र थे, हैं और हमेशा रहेंगे। सबूत तो खाली आप इस भूत के लिए, ओ भूतने के लिए है, सिर्फ आज के लिए, बाकी आप मेरे परम मित्र ही है। चलो ना भाई, चलो, इनको चाहिए तो एक सेल्फी खींच के भेज देंगे। भाई एक मिनट, लेकिन शेफली की क्या जरूरत है? आप लोगों को सबूत चाहिए ना कि हम वहाँ गए कि नहीं। एक काम करो ना, साथ में चलो ना, वहाँ हाथों हाथ मिलवा देता हूँ भूतनी से, हैं? चलो। अरे जेठालाल, हम लोग मिलकर आ गए हैं, अभी तुम मिलकर आओ। डरपोक। चल भाई भिड़े हो, फ्लैट की चाबी तो दे। जरूरत ही नहीं है, फ्लैट खुला है, अगर वहाँ पे ताला लगा के रुक जाते ना वो भूतनी हमारे सासों पे ताला लगा देती। चले चलो, खुला ही है फ्लैट तो, फिर अभी यहाँ रुक के कोई मतलब नहीं है, चलो। जेठालाल एक मिनट ना, वो क्या है ना, वो जब डर के भागा था ना मैं वहां से, तो मेरी चप्पल वहां पे रह गई है कहीं पे, तो आते वक्त लेके आओगे प्लीज? एक काम कर भाई, मेरी ओर से नई चप्पल ले लगा ले। जेठालाल पैसों का रुबाब किसको दिखा रहे हो? रखो अपने पैसे अपने पास। मेहता साहब आप लेके आएंगे? अरे छोड़ो ना भाई जेठालाल, मिल जाएगी तो ले आएंगे भाई। अरे चलो ये पर मिल चप्पल लेके आना, कोई बात होती है कोई? इधर निडर होके भूतनी से मिलने जा रहे हैं, चप्पल लेके आना बोल रहे हैं। हाँ भाई, वापस लौटेंगे तो ले आएंगे चप्पल। थैंक यू। अरे मेहता साहब, अब मतलब हाँ ले आएंगे, जाओ अभी, क्यों खड़े क्यों हो? चले मेहता साहब, मेहता साहब और रब जी आपके साथ हैं, वो आपकी रक्षा करेंगे। ऑल द बेस्ट। हाँ मेहता साहब, टेक केयर। गॉड, अच्छा हुआ कि चाचा जी सो गए हैं। मेहता साहब आइए, आप आगे होइए। मैं क्यों? आप बड़े हैं मुझसे। देखो जेठा, इस बात पे पहले अपनी कई बार विस्तृत चर्चा हो चुकी है और ये तथ्य प्रमाणित हो चुका है कि हम दोनों में तुम ही बड़े हो। आप आगे रहिए। मैं उम्र की बात नहीं कर रहा हूँ मेहता साहब, तो ज्ञान की बात कर रहा हूँ। ज्ञान के मामले में तो आप मुझसे बड़े ही है ना। किसने बोला जेठालाल? नहीं नहीं, सवाल ही नहीं, तुम्हारे ज्ञान के आगे मेरा क्या मुकाबला भाई? तुम तो बहुत बड़े व्यापारी हो, इतना बड़ा व्यापार गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स चला रहे हो। मैं तो छोटा मोटा नौकरी पेशा आदमी, इसलिए ज्ञान के मामले में भी तुम ही बड़े हो, तुम ही आगे रहो। चलो भाई समझो, डर लग रहा है बाहर आके, डर लग रहा है तुम तो भाई। अंदर इतनी डींगे मारने की क्या जरूरत थी जेठालाल, इतनी शेखी क्यों बगा रहे थे तुम? अरे भाई तुम्हारे चक्कर में मैं भी फंस गया। अरे मरता क्या ना करता, वो अय्यर भाई ने चुनौती दे दी, अभी सबके सामने वोट रखने के लिए बोलना पड़ा। अरे क्या बोलना पड़ा जेठालाल, बोल देते कि तुम्हें भूतनी से डर लगता है। अरे आदमी डरता ये कहने में, ये स्वीकार करने में आदमी छोटा नहीं हो जाता। चलो वापस चलो। अरे क्या चलो भाई, नहीं जा सकते अंदर। क्यों नहीं जा सकते? मैं कच्ची मानू हूँ, हम लोग एक बार जबान दे देते हैं ना तो फिर वापस पीछे मुड़कर नहीं देखते।
अरे भाई तो तुमने अपनी जबान दे दी तो दे दी, मेरी क्यों दी? बस ना, हम दोनों अलग है क्या? जेठालाल ये देखो इमोशनल ब्लैकमेल करने का टाइम नहीं है, तुम अंदर कर चुके हो दोस्ती के नाम पे मुझे। अरे परिस्थिति की गंभीरता को समझो भाई, तुम नहीं गए हो वहां पे, मैं गया हूं दिन में वहां पे। अरे कितनी खतरनाक है भूतनी, तुम्हें क्या पता? अरे वो हाथ के इशारे से इंसान को सूखे पत्ते की तरह इधर उधर फेंक देती है। मैं नहीं आ रहा हूं। अरे क्या नहीं आ रहा, क्या कर रहे हो यार? सॉरी 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 मेहता साहब, आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, इज्जत का सवाल है भाई। अरे इज्जत की छोड़ो, जान की सोचो जेठालाल, जाते ही हमारे वो स्वागत करेगी भूतनी वहां पे। नहीं नहीं करेगी। कैसे नहीं करेगी, तुम्हें कैसे पता? अरे वो भी तो करेगी ना। क्यों नहीं होगी, वो वहां पे कहां जाएगी? अभी अंदर आप लोग ही बता रहे थे ना, कल रात को वो आप लोगों ने चालू जी पांडे जी को बुलाया और ऊपर गए तो कोई नहीं था, फिर आज सुबह आप गए तब भूतनी थी। इसका मतलब रात को वो वहां नहीं रहती है, कहीं चली जाती है, फिर सुबह आती है नाक के पूजा वूजा करके आप लोगों को डराने। लेकिन 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 छोड़ो मेहता साहब, हमको पूरी रात थोड़ी बार रहना है। फटक से जाते हैं, फटक से शपली लेते हैं और फटक से वापस आ जाते हैं। पक्का ना, एक सेकंड से ज्यादा नहीं रुकेंगे? अरे हाँ भाई, मुझे भी नहीं जाना, लेकिन अभी जबान दे दिए तो अभी जाना पड़ रहा है, और क्या कर सकते हैं। चलिए अभी तो इतना दूर है, धुआं अभी से खांसी आ रही है अब। अरे यार डर लग रहा है यार जेठालाल। ये बिजली आज कुछ ज्यादा ही नहीं कड़क रही है? बिजली तो अंदर कड़के गई अभी मोहनलाल के फ्लैट में। अरे नहीं भाई, नहीं कड़के की बोला ना, नहीं होगी वहां पे। चलो चलो। मेहता साहब ये स्पीड से हम सीढ़ी चढ़ेंगे तो सुबह हो जाएगी और सुबह वो भूतनी आ जाएगी। चलो भाई चलो, फटाफट जाते हैं, शपली लेके वापस आ जाते हैं। अरे क्या फटाफट जाते हैं जेठालाल, मुझे डर लग रहा है यार। डर लग रहा है? बच्चन साहब को याद करो। किसको याद करूं? अमिताभ जी बच्चन जी को। उनका क्या लेना देना है भूतनी से? भूतनी से नहीं, वो क्या है कि उनके बारे में मैंने कहीं पढ़ा था कि वो एक बार चेन्नई में गर्मी के मौसम में शूटिंग कर रहे थे, तो कुछ डाकू का रोल था, तो शूटिंग को थोड़ी देर थी, लेकिन वो धूप में वो कंबल ओढ़ के बैठे थे, तो उनके साथी कलाकार ने उनसे पूछा कि अरे आपको गर्मी नहीं लगती है बच्चन साहब? तो पता बच्चन साहब ने क्या कहा? गर्मी के बारे में सोचता हूँ तो गर्मी लगती है, नहीं सोचता हूँ तो नहीं लगती है। इसी तरह आप डर के बारे में सोचिए मत, सोचेंगे तो डर लगेगा, नहीं सोचेंगे तो डर नहीं लगेगा। तो किसके बारे में सोचूं? अंजलि भाभी के बारे में सोचिए। नहीं, अंजलि के बारे में तो सोचूं कहीं नहीं। जैसे ही अंजलि के बारे में सोचता हूँ मुझे करेले दिखने लगते हैं यार, सलाद नजर आता है। नहीं नहीं, और वैसे भी अंजलि का तो नाम ही मत लो, उसका नाम लूंगा तो मुझे और गुस्सा आएगा। क्यों? अरे क्यों क्या जेठालाल, तुमने देखा नहीं रोशन भाभी ने कैसे अपनी कसम दिला के सोडी को रोक दिया कि नहीं सोडी तुम मोहनलाल मटका किंग के फ्लैट में नहीं जाओगे, लेकिन अंजलि ने क्या किया, चुपचाप खड़ी रही। वो चाहती तो कसम देके मुझे रोक सकती थी कि तारक तुम्हें मेरी कसम, तुम किसी भी हालत में मोहनलाल मटका किंग के फ्लैट में नहीं जाओगे, लेकिन चुपचाप खड़ी रही। यूं तो रोज कसम दिला दिला के मुझे डाइट फूड खिलाती है, लेकिन आज जब बारी आई तो चुपचाप खड़ी रही। तो उस हिसाब से तो आपको भी मुझे अपनी दोस्ती की कसम देकर रोक लेना चाहिए था ना, कि जेठालाल तुमको हमारी दोस्ती की कसम, तुम नहीं जाओगे मोहनलाल के घर में। हाँ तो ठीक है ना, देर का होगी जेठालाल, अभी कसम दिला देता हूँ तुम्हें। अभी क्या फायदा, अभी मैं दे चुका हूँ ना जबानो अय्यर भाई और वो भिड़े को कि मैं शपली लेके आता हूँ, तो अभी तो जाना ही पड़ेगा ना। तुम्हारी जुबान के चक्कर में जान जाएगी यार आज। अरे
अरे मेहता साहब, जितनी देर से हम यहाँ खड़े रह के बातें कर रहे हैं ना, उतनी देर में तुम 5-6 छपली लेके आपके घर पे पहुंच भी गए होते। चलो भाई चलो, फटाफट छपली लेके जाते हैं आपके घर। चल, अरे पीछे क्या देख रहे हैं मेहता साहब? जेठालाल, वो भूतनी कहीं से भी आ सकती है, ऊपर से नीचे से दाएं से बाएं से आगे से पीछे से कहीं से भी आके हमला कर सकती है। अरे मैंने बोला ना, वो रात को यहाँ नहीं रहती, जाती है कहीं पे, वो सुबह आएगी। अभी चलो। क्या हुआ? कोई गया इधर से? नहीं भाई, कोई नहीं है यहाँ पे मेहता साहब। नहीं, लगा मुझे कोई गया। अरे वो डर की वजह से आपको भ्रम हो रहा है, कुछ नहीं है। डर के बारे में मत सोचो, चलो भाई जल्दी फटाफट जाते हैं, छपली खींच के आ जाते हैं। चलो चलो चलो। अमिताभ बच्चन? हाँ अमिताभ बच्चन। यार हालत खराब है। देखा, यहीं पे लिखा होता चले जाओ यहाँ से। क्या हुआ? क्या क्या हुआ जेठालाल? इस भूतनी से ज्यादा तो तुम मुझे डरा रहे हो भाई। मैंने क्या किया? अरे हाथ क्यों रखा यार? अरे हाथ रखा उसमें डर गए आप? जेठालाल, अभी तुम्हारा उस भूतनी से पाला नहीं पड़ा है ना, इसलिए ऐसा बोल सकते हो। एक बार उस भूतनी को देख लो, फिर पता चल जाएगा हाथ क्यों रखा और पांव क्यों रखा। अभी छोड़ो भूतनी को, फटाफट अंदर जाते हैं, छपली खींचते और निकल आते हैं। एक बार फिर सोच लो, चलना है अंदर। अरे कुएं के पास पहुँच के प्यासा लौटने का क्या मतलब है मेहता साहब? ये कुआं कोई साधारण कुआं नहीं है भाई, मौत का कुआं है ये। अरे भगवान, वहाँ पे तारक और जेठा भाई अंधेरे में अकेले होंगे, उनका क्या होगा? अरे मैं जेठा भरा और मेहता साहब को अभी लेके आता हूँ। नहीं नहीं नहीं, छोड़ी छोड़ी छोड़ी, रहने दे भाई, तो मत जा, ये उसकी चाल है, समझने की कोशिश कर, ताकि हम सब बाहर जाए और वो हम सबको झपट ले। हाँ रोशन, पोपट भाई टंडन ठीक बोल रहे हैं, मैं तुझे किधर भी नहीं जान दूंगी। ये भूतनी ने बिजली काट दी, फिर से बिजली काट दी। अरे भूतनी है कि इलेक्ट्रिशियन है? क्या बोल रहे हो यार जेठालाल? तो आप क्या बोल रहे हैं मेहता साहब? अरे बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में तो बिजली आती जाती रहती है ना जेठालाल। जब तक मैंने उस भूतनी को नहीं देखा था ना, मैं भी सोसाइटी वालों को यही कह रहा था कि बारिश की वजह से ये सब हो रहा है, बिजली जा रही है। लेकिन एक बार उस भूतनी को देख लोगे तो तुम्हें भी पता चल जाएगा कि उसी ने किया है। पहले भी लाइट काटी थी जब हम लोग यहाँ आए थे, और आज फिर काट दिए। अरे भाई छोड़ो अभी भूतनी को, फटाफट अंदर जाते हैं। काम करो, मोबाइल निकालो, टॉर्च ऑन करो। मैं भी अपना मोबाइल निकालता हूँ, टॉर्च ऑन करता हूँ। अंदर जाते हैं, छपली खींचते और फटाफट बाहर आते। चलो। मेरा मोबाइल तो घर पे ही है जेठालाल, नहीं लाया? हाँ तो कोई बात नहीं, ये मेरा मोबाइल है, इसमें जल्दी से फाइल सेल्फी ले लो, चलते। अरे इसमें तो बाहर का है, अंदर अंदर। अरे ले लो ना यार यहीं पे। अरे ये बाहर का है क्या? यहाँ से लेते हैं। अरे इसमें ये तो पीछे की साइड है। काम कीजिए, आप ही मेरी फोटो ले लीजिए, मैं इधर खड़ा रहता हूँ। मित्रों, मैं और जेठालाल पहुंच गए मोहनलाल मटका किंग के घर पर। यानी कि हमने अपना सर ओखली में दे दिया है, अब मूसल के प्रहार का इंतजार, यानी कि डरावनी दुल्हन का। ये आखिरी बाजी है दोस्तों, आखिरी दावा। जो कुछ भी होगा आर पार होगा। अब यहाँ जो होने वाला है यार, क्या बात, आप अपनी उत्सुकता को बनाए रखिए, क्योंकि डरावनी दुल्हन का जो राज है उस पे से पर्दाफाश होगा। सांसें थामे रखिए और चरम पे ये जो उत्सुकता है इसे बरकरार रखिए, क्योंकि यहाँ जो कुछ होने वाला है ये बहुत सारे सवालों के जवाब देगा। और हाँ मित्रों, आज पूरे भारत में दही हांडी की धूम है। तारक मेहता को उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से तमाम दर्शकों को और दही हांडी फोड़ने के लिए मचलते गोविंदाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ गोकुल धाम में डरावनी दुल्हन का जो ये रहस्य है, इस राज से पर्दा किस तरह उठेगा, क्या होगा आगे, और डरावनी दुल्हन क्या करेगी, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। रेडी? ओके। मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा भाई? मैं तो तुम्हारे साथ आया हूँ, तुम मुझे क्यों खुलनेस दे रहे हो? अरे आपको नहीं दे रहा हूँ, वो अय्यर भाई और भिड़े को दे रहा हूँ। ओ छपली चाहिए ना उनको, ले लो छपली। मोनल का घर में हूँ, दे लो देखो। जेठालाल, तुम्हारा वीडियो लेना है क्या यहाँ पे? फोटो फोटो फोटो, फिर बोल क्यों रहे हो भाई, चुप रहो ना।
नहीं मतलब आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको खुन्नस नहीं दे रहा हूँ, वो तो मैं ऐसे भाव चेहरे पे आए ना, वो भिड़े और अय्यर भाई को ऐसा लग गया कि भाई देखो मैं डरता नहीं हूँ, चपली मोहनलाल के घर में खड़ा रख के ले रहा हूँ ऐसा। अरे जल्दी करो ना भाई। रेडी गिल्ला? क्या गिल्ला हो गया? अरे कुछ गिल्ला नहीं हुआ जेठालाल, बिल्ला बोल रहा हूँ, बिल्ला। बिल्ला? हाँ, तगड़ा मोटा भयानक बिल्ला। हम पहले भी आए थे जब उस अलमारी में, बताओ। बिल्ला। ए चूचू मत करो, वो छोड़ने आ जाएगा। भू 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 क्या होता है? सॉरी बा 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 बाबा क्या होता है फिर भाई? भागने वाला बा बा बा। तो भाग ही बोला ना। भाग 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 भाग। गया 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 गया। चलो मैं बहुत डरा हूँ, चलो भाई जल्दी चलो यार। क्या चलते हैं? मोबाइल ढूंढो, फटाफट फोटो खींचते और फिर निकलते हैं। अरे जेठा ऐसे माहौल में भी तुम्हें मोबाइल और फोटो की पड़ी है? चलो ना यार जेठा, मुझे बहुत डर लग रहा है, चलो चलो प्लीज। ओ यार भाई भिड़े नहीं मानेंगे भाई, यहाँ तक तो आ गए, मोहनलाल के घर में खड़े हैं, बस एक फोटो की बात है ना, फटाफट फोटो खींचते फिर चलते हैं। यार ढूंढो ढूंढो जल्दी जल्दी ढूंढो। फंस गया, क्या मुसीबत है यार, क्या यार फेंक दिया आपने। फोन जल्दी मिल जाए। अरे मिला क्या जेठालाल, किधर गया फोन? चलो फटाफट फोटो लेके निकलते। मेहता साहब अरे जवाब दो तो, कहाँ हो? कहीं मुझे छोड़ के भाग तो नहीं गए मेहता साहब? हाँ अलमारी में आप। अरे मिल गया मोबाइल, वहां क्या ढूंढ रहे हो? मेहता साहब चलो भाई, अच्छा चलो नहीं खींचनी है फोटो, निकलते चलो। अरे क्या कर रहे अलमारी में? अरे जवाब तो दो, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? ओ मेहता साहब, मेहता साहब, मेहता साहब, मेहता साहब, मेहता साहब, क्या हो गया आपको? मेहता साहब, मेहता साहब, ये बेहोश हुए हैं, क्या हो गया आपको मेहता साहब? ये अंदर कैसे पहुंच गए आप? मेहता साहब, मेहता साहब, मेहता साहब, मेहता साहब, मेहता साहब, क्या हो गया आपको? ओ मेहता साहब, मेहता साहब उठिए। अरे क्या हो गया आपको? मेहता साहब उठिए प्लीज। सॉरी सॉरी, मैं आपको यहाँ लेके आया, सॉरी। आप उठिए मेहता साहब, चलिए यहाँ से चलते, नहीं खींचने फोटो वोटो, चलिए। कौन हो तुम? सॉरी कौन है आप? मुझे नहीं पहचाना? नहीं, हम तो
पहली बार मिल रहे हैं ना, कैसे पहचानूंगा? मैं डरावनी दुल्हन हूँ। मैंने यहाँ आने से मना किया था ना, फिर भी आ गए। नहीं हो, आपने सोसाइटी वालों को बोला होगा, मैं तो क्या सूरत में था, बस लोचा खा रहा था। लेकिन यहाँ आके तुमने बहुत बड़ा लोचा कर दिया। सॉरी, आपको डिस्टर्ब किया। वो क्या है कि कल आप यहाँ रात भर थे नहीं ना, तो हमको लगा आज भी आप नहीं होंगे, इसलिए हम लोग आए। हम लोग जाते। मेहता साहब उठिए। मेहता साहब, ऐसा मत करो, गिर जाएगा झूमर। मेहता साहब उठो, आपके ऊपर झूमर गिरेगा। उठो मेहता साहब। अरे चलो उठो भाई। मेहता साहब देखो क्या हो रहा है, झूमर ना, चलो उठो। मेरे बार बार मना करने पर भी तुम सोसाइटी वाले नहीं माने ना, अब मैं गुस्सा हूँ, बहुत गुस्सा। गुस्सा मत कीजिए, देखिए गुस्सा सेहत के लिए हानिकारक होता है। मरने के बाद कैसी सेहत? सॉरी। अब कोई सॉरी काम नहीं आएगा, गलती की है तो सजा तो मिलेगी। क्या कर रही है? मैं जा रहा हूँ। देखिए फेंके मत, तुम मारिए मत, मैं जा रहा हूँ। देखिए सॉरी मैं आ गया। सॉरी, देखिए मुझे जाने दीजिए, गलती हो गई, मैं वापस दोबारा कभी नहीं आऊंगा। अरे फ्लैट में क्या, विंग में ही नहीं आऊंगा। सॉरी गलती हो गई मुझसे, मुझे जाने दीजिए प्लीज, गलती हो गई मुझसे। गलती की है तो सजा भी मिलेगी। सजा? क्या सजा? पढ़ाई से क्या दुश्मनी है? बेचारे लेखक को सुला दिया, उसमें किताबें फेंक रहे हैं। अरे अरे क्या करो, सॉरी। अरे रोक, खबर खबर।
भागने की कोशिश की ना तो मैं तो छटांगा नहीं। अरे तारक कहाँ है? जीता भाई तारक कहाँ है? तारक कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अंजलि भाभी मेहता साहब ऊपर डर के मारे बेहोश हो गए। ये दोनों भागने लगे थे, इनको पकड़ने के चक्कर में मैं इनके पीछे भागा, पर उनको होश में लाने का मुझे मौका ही नहीं मिला। तो कोई गल नहीं जेठा भरा, मैं अभी मेहता साहब को लेके आता हूँ। तब तक इन दोनों को भागने मत देना। हाँ नहीं नहीं आए दिन लोगों ने अंधेरा करने के लिए सोसाइटी का मेन स्विच ऑफ कर दिया है। हर को लगता है इन लोगों ने सोसाइटी का मेन स्विच ऑफ कर दिया है। मैं अभी चालू करके आता हूँ। हाँ चालू करो, चालू करो। मेहता साहब, क्या हुआ? उठिए, इनको होश में लाने के लिए पानी छिड़कना पड़ेगा। मैं लेके आता हूँ पानी। तारक क्या हुआ आपको? तारक आप ठीक तो है ना? तारक को क्या हो गया? तारक उठिए ना। हाँ जी भाभी, उठिए ना। उठिए ना मेहता साहब। मैं थोड़ी, ये अंजलि भाभी। भूतनी नहीं, पत्नी। हाँ मेहता साहब, अंजलि भाभी, सोड़ी, मैं सोड़ी। आपको क्या हुआ? आप ठीक है ना तारक? आप लोग, ये उसने जिसने मेरा हाथ पकड़ लिया था, जेठालाल का, और वो डरावनी दुल्हन। वो डरावनी दुल्हन कुछ नहीं है मेहता साहब, वो लोग इंसान है। इंसान है? हाँ वो इंसान है, और उनको नीचे पकड़ के भी रखा है। चलो चलो जल्दी चलो। अरे चुपचाप खड़े क्या हो? भूत बन के पूरी सोसाइटी को क्यों डरा रहे थे बताओ? सीधे सीधे बता दो कि इस फ्लैट में क्यों घुसे थे? आराम से। क्या हुआ भाई? आइए मेहता साहब, आइए आप ठीक है? मेहता साहब मैं ठीक हूं जनरल। पर ये क्या हुआ, क्या क्या हो रहा है ये सब? ये कौन लोग हैं? अरे मेहता साहब ये कोई भूत वूत नहीं है, ये हमारी तरह इंसान है। और यही है वो डरावनी दुल्हन जो खुद अभी डर ली है। कितना डर है? अच्छा तो तुम लोग थे जिसने घर के बाहर लिखा था चले जाओ यहाँ से। हाँ और तुम ही लोगों ने उस दीवार पे पैरों के निशान बनाए थे ना? और वो डरावनी हंसी किसकी थी? और दिन में हम सब लोगों ने वो देखा था, वो सब क्या था? वो हाथ के जर ऐसा ऐसा वो मिट्टी को ऐसा गिरा रही थी, ऐसा ठर्र, वो ऐसा फोन के बाहर के जैसा कांप रहा था, वो सब क्या था? हाँ बोला। अरे क्या यार भाई, आप बेइज्जती से बात है, वो सब यही लोगों की साजिश थी। बताओ क्या साजिश थी तुम्हारी, क्यों किया तुम लोगों ने ये सब? बोलो बोलो भाई बोलो। और सबसे पहले तो अपना ये चेहरा दिखाओ। हाँ 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 हो कौन तुम लोग? तुम लोग को पहले कभी देखा नहीं यहाँ पे? तुम मोहनलाल के फ्लैट में रहते थे? क्या करते क्या थे उस फ्लैट में? अरे क्या करते थे क्या पोपटलाल, सीधे से बात है भाई, कोई गैर कानूनी काम कर रहे होंगे पक्का। लेकिन आप लोगों को कैसे पता चला कि ये फ्लैट खाली है? आप लोग घुसे कैसे वो फ्लैट में? करेक्ट, जरूर हमारी सोसाइटी का कोई आदमी इनके साथ मिला हुआ है। एक मिनट बबीता जी, एक तीसरा आदमी भी था, जब मैंने इसको पकड़ा था ना ऐसे, तो उसने पीछे से आके मेरे हाथ पकड़े और ऐसे खोल दिए, तो ये भाग गया और फिर वो भी भाग गया।
बापरे वही होगा जो ये सोसाइटी के बारे में और मोहनलाल के फ्लैट के बारे में जानता होगा। बताओ बताओ कौन है तुम्हारा तीसरा साथी? हाँ नाम बोलो उसका, कौन है वो जो गोकुलधाम के बारे में सब कुछ जानता है? ओए बता तेरा तीसरा साथी कौन है जो गोकुलधाम में सब कुछ जानता है? अरे बोल। मैं नहीं बोलेगा, बताता कि नहीं, बताता कि नहीं। नहीं सोड़ी ये इस तरह से नहीं बताएंगे, अभी पुलिस को ही फोन करता हूँ, पुलिस ही इनसे उगलवाएगी कि इनका तीसरा साथी है कौन। करो करो फोन करो। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। पुलिस को फोन मत कीजिए मत कीजिए मत कीजिए मत कीजिए मत कीजिए। तीसरे साथी हम आएंगे। ये इनका साथी है। ये विकी विकी ब्रोकर है ये। हमने आप पर विश्वास किया और आपने हमारे साथ विश्वासघात किया विकी भाई। भाई अरे भाई कसला कसाई है कसाई। ओए विकी के बच्चे, सबसे पहले तो तेरी सर्विसिंग करता हूँ और तनु दे मैं छड़ दूंगा नहीं। उधर क्या हो गया भाई? अरे खाली वक्त में मजबूरी है, मजबूरी है तेरी, क्या मजबूरी है, क्या मजबूरी है? माफ कर दो, दोस्ती के खातिर करवे पड़ो। विकी तुम्हें एक ही शर्त पे माफी मिल सकती है, ईश्वर की सौगंध खा के बताओ कि ये माजरा क्या है, क्या चल रहा है, कौन है ये लोग, क्यों किया है सब कुछ। हाँ हाँ तभी तेरे को माफी मिलेगी, बता तब तक बोल। हाँ अब सच सच बताओ कि क्या खेल खेल रहे थे तुम लोग हमारे साथ। कौन कौन डरा सच सच बताइए, आप लोगों में से कौन कौन डरा डरावनी दुल्हन को देख के? पर आखिरकार पता चल गया ना आगे भूत वूत कुछ नहीं होता है, आखिरकार ये डरावनी दुल्हन भी इंसान ही निकली। पता नहीं कैसे मेरे दोस्त जेठालाल को पता चल गया और उसने इस डरावनी दुल्हन के राज से पर्दा हटा दिया, लेकिन इस एक जवाब ने कई सारे सवाल पैदा कर दिए। आखिर ये लोग कौन है, ये क्यों रह रहे हैं मोहनलाल मटका किंग के इस फ्लैट में, आखिर हम लोगों को क्यों डराया, गोकुलधाम निवासियों को इतना भयभीत क्यों किया, ये क्या करना चाहते हैं, कहीं कोई गैर कानूनी काम तो नहीं कर रहे? भाई सवाल तो बहुत सारे, लेकिन हर सवाल के जवाब मिलेंगे हंसते हंसते, जवाब देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए हंसते रहिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।